हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार इसे विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे जुड़े हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आज विभिन्न समाचार पत्रों में जो दी गई सूचनाएं हैं, रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। पहली सूचना दी गई है कि IBPS ने कई पदों पर निकाली भर्ती, 4045 पदों पर भर्ती इसमें निकाली गई है। क्लर्क के पदों पर करें आवेदन। आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष बताई गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 के अनुसार की जाएगी। पात्रताएं इसकी हैं कि उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए और पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इसके नोटिफिकेशन को देखने के लिए बताया गया है। यदि चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नियुक्ति के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां सत्यापन के लिए प्रस्तुत करनी होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि इच्छुक अभ्यर्थी 21 जुलाई 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसका जो आवेदन शुल्क है वो ₹850 बताया गया है। वेबसाइट इसकी www.ibps.in से आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली सूचना जो बताई गई है वो दिया गया है कि BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया नोटिफिकेशन। 346 पदों पर भर्ती निकली है। राजस्व अधिकारी, कनिष्ठ चुनाव अधिकारी व अन्य पद खाली हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो पदानुसार न्यूनतम आयु 20, 21, 22 वर्ष का, अधिकतम आयु 37, 40, 42 वर्ष निर्धारित है। पात्रताएं इसमें जो बताई गई है कि उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार स्नातक संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें बताया गया है। चयन प्रक्रिया जो होगी इसमें चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत परीक्षण साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय रूप से फिट होना होगा। उम्मीदवार को अपने मूल दस्तावेजों की प्रतियां सत्यापन के लिए प्रस्तुत करनी होंगी। आवेदन की तिथि आवेदक 15 जुलाई 2023 से लेकर 5 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो बिहार से निकली हुई वैकेंसी है इसमें इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना जो बताई गई है कि जैसा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्तियां चल रही हैं, उसी में पीलीभीत जिले से निकली हुई ये वैकेंसी है जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आज के समाचार पत्र में दी गई है और यहाँ पर इसके पद बताए गए हैं। विषयवार अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, ये तमाम सारे विषयों के लिए पोस्टें यहाँ पे जो निकली हुई हैं बताई गई हैं। अगली सूचना है कि सिपाही भर्ती में उम्र की रियायत मिलने की उम्मीद नहीं। जैसा कि 52,699 पदों पर सिपाही की भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है कि हमें एज में छूट मिले। जो कोरोना काल में 3 साल 2 साल उनके बर्बाद हुए हैं उसके एवज में अभ्यर्थी उम्र में छूट मांग रहे हैं, लेकिन बोर्ड ने कहा है कि कोई छूट मिलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली 52,699 सिपाहियों की भर्ती में अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा में कोई रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है। भर्ती बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर आयु सीमा में रियायत की अपील कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना काल की वजह से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में विलंब के बाद अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट देने की मांग कर चुके हैं। अब भर्ती में हो रहे विलंब से अब इनकी तादाद बढ़ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नई भर्तियों में 18 से 23 वर्ष की आयु सीमा को बरकरार रखा जाएगा। सिर्फ OBC और SC/ST अभ्यर्थियों को निम्नानुसार जो इसमें बताया गया है छूट मिलेगी। भर्ती बोर्ड इसी माह 52,699 सिपाही की सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदा जारी करने जा रहा है, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से अब छूट मिलने वाली एज में नहीं है। अगली सूचना दी गई है कि UPSC के सदस्य बनाए गए डॉक्टर AK वर्मा और सेवानिवृत्त मुकेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में अब भर्तियां तेजी से होंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्त जिला जज मुकेश मिश्रा और नैनी स्थित हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय PG कॉलेज में जंतु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के रूप में 2 नए सदस्य मिले हैं। दोनों ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 8 सदस्यीय आयोग में रिक्त 4 पदों में से 2 पदों को भर लिया गया है। तो यहां से बताया जा रहा है कि दोनों सदस्यों ने ली शपथ संभाला। कार्यभार अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया। लोक सेवा आयोग में है सदस्यों के 8 पद, इनमें 4 पद अभी तक थे खाली।
तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसमें नियुक्तियां की गई हैं और भर्तियों में तेजी आने की संभावना बनी हुई है। अगली सूचना है कि नीट पीजी काउंसलिंग के लिए तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में नीट पीजी दाखिले लेने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस प्रदेश में केजीएमयू और एसजीपीजीआई सहित विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एमडीएमएस की 1327 सीटों के हैं, जबकि एमडीएस की 46 सीटें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका जो 1 अप्रैल 2023 के बाद का देना होगा जाति प्रमाण पत्र, अगर पुराना आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो उसमें वैलिड नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है ये आप यहाँ से देख सकते हैं जो काउंसलिंग से जुड़ी हुई सूचना इसमें दी गई है। दोस्तों ये थी आज की सूचनाएं जो रोजगार शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।